देखिए, हम भी कई मंचों से ये सवाल उठाते रहे हैं कि देश का संविधान खतरे में है, और हम तो खैर हम या कोई भी सामाजिक लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, वो न्याय व्यवस्था को लेकर नहीं उठाते रहे, क्योंकि न्याय व्यवस्था में उनका विश्वास है कि कहीं भी ना हो तो कम से कम अदालत से तो न्याय मिलेगा जी। लेकिन अब तो वहां से भी सवाल खड़ा हो गया, तो हम लोग तो उठाते रहे हैं कि भाई जैसे भारतीय जनता पार्टी है, केंद्र में जो सरकार है या राज्यों में जो सरकार है, और वर्तमान केंद्र की जो सरकार है, भाजपा की सरकार है जिसके मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, इनकी वजह से देश के संविधान को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है। और अब जो बात सुप्रीम कोर्ट ने उठाई है, तो हम सभी जो लोग हैं सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में हैं, चाहे किसी भी पार्टी से हैं, देश के किसी भी कोने से हैं, किसी भी मंच पर वो आवाज उठाते रहे हैं, तो उनकी बात बिल्कुल सच है, लेकिन बात मानी नहीं जाती। और अब सब लोगों की समझ में आ रही कि वाकई देश के लोकतंत्र को खतरा है, और देश के लोकतंत्र को खतरा है मतलब संविधान को खतरा है जी। तो जब संविधान को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, सम्माननीय सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस को बैठ के इसकी डेप्थ में जाना चाहिए, पूरी गहराई से जांच हो, और जो भी दोषी हो उनको दंडित किया जाए, ताकि जनता का विश्वास जो अदालत में बना रहे, देश के सर्वोच्च न्यायालय में बना रहे, और देश का संविधान और लोकतंत्र बच सके।